हमारे वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो ना देखें। तो आज का शीर्षक है, सब धर्मों के लोगों का सम्मान करो। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब इसका क्या मतलब है। तो मैं आपको समझाता हूं, लोग कौन है? लोग मतलब मनुष्य। मनुष्य को तो परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर ने तो कोई धर्म बनाया नहीं था। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आरंभ में परमेश्वर का संबंध मनुष्य के साथ था, आदम के साथ था, लेकिन आगे जाके प्रलय के बाद हम देखते हैं जिस तरीके से पीढ़ियां बढ़ी तो लोगों ने परमेश्वर से दूर जाकर अपने अपने धर्म बनाने शुरू कर दिए, कोई भी कारण रहे उनके, लेकिन हैं तो फिर भी वे मनुष्य ही। तो आज संसार में बहुत सारे धर्म हैं और उसके बीच में हम मसीही हैं। तो परमेश्वर ने मसीहियों को किस तरीके से रखा हुआ है? बाइबल सिखाती है कि देखो, आपको लोगों का सम्मान करना है चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उसका कारण यह है कि जगत में तो अंधकार है, सच्चा ज्ञान नहीं है परमेश्वर के बारे में। मनुष्य सांसारिक है और वो अपने सांसारिक लक्ष्यों के पीछे भाग रहा है, यानी कि मटेरियलिस्टिक गोल्स, कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, और संसार इसी तरह चले जा रहा है एक दिशा में। तो उसमें से हम कुछ मसीही हैं जिनको एक समय में ये एहसास हुआ कि हम सब लोग एक दिन मर जाएंगे, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो हम खोज में लग गए कि क्या है ये सच्चाई। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा डाला है, मनुष्य की आत्मा जिसको बोलते हैं हम, द स्पिरिट ऑफ मैन, वो आत्मा डाला इसलिए है कि हम सच्चे परमेश्वर को खोज सकें, उसकी बातों को समझ सकें और उससे एक रिश्ता बना सकें। तो वो हर मनुष्य में है। तो जिन्होंने भी खोजा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, तो उनको वो मिल गया, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने मसीहियों को बोला कि भाई देखो, तुम्हें परमेश्वर मिल गया, उसके बाद परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा दे दिया, जो मेरा आत्मा है जो तुम्हारे अंदर रहता है, यानी पवित्र आत्मा। तो क्या हो गया, तुम जगत की ज्योति बन गए। जैसे मत्ती का 5:14 कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मतलब सब लोग उसको देख सकते हैं। अब ज्योति जो आपके अंदर आ गई है वो सबको दिखाई देगी अगर आप सही रीति से चलते रहे। तो उसने आपको ज्योति बना दिया। इफिसियों का 5:8 कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान के नहीं चलो। तो हुआ क्या है कि हमारे अंदर भी अंधकार था पहले, हम भी परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब जाना तो परमेश्वर आ गया, इसलिए ज्योति आ गई। तो हमारा काम क्या है, इस संसार में जो अंधकार है, परमेश्वर ने मसीहियों को हर जगह, हर देश में, हर राज्य में, हर प्रांत में, हर प्रकार के जितने भी यहाँ पर कार्यकलाप होते हैं, यानी बिजनेस हो, नौकरी हो, हर जगह पे मसीहों को रखा हुआ है, लाइट, ज्योति की तरह। तो अगर हम लोग जो मसीही हैं, जिनके अंदर रोशनी है, अगर हम लोगों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर वो लोग उस रोशनी को देखेंगे कैसे। अब यहाँ पर परमेश्वर ये भी कहता है मत्ती 5:13 में कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। नमक क्या होता है? नमक हम खाने में डालते हैं तो छितराते हैं, थोड़ा सा चुटकी भर नमक लेते हैं और जो खाना होता है पूरा उसमें छितरा देते हैं इसे, ताकि उस खाने का स्वाद बढ़ जाए। तो हम मसीही, जो बाइबल सिखाती है, हमारी वजह से इस संसार का स्वाद है, क्योंकि सच्चाई उसमें है, रोशनी उसमें है। तो अब आप सोचिए इस बात को कि अगर हम लोगों का सम्मान नहीं करते या मनुष्यों का सम्मान नहीं करते तो फिर स्वाद कैसे बढ़ेगा इस संसार में। तो यहां पर जो उलझन आती है वो ये है कि मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब धर्मों का सम्मान करो, मैं कह रहा हूं कि सब धर्मों के लोगों का सम्मान करो। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जहां बात आती है धर्म की, तो हमें पता है कि धर्म तो मनुष्य ने बनाए, उनके पीछे जो भी शक्तियां हैं उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी इस संदेश में, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो कोई धर्म बनाया नहीं है। अब होता क्या है कि हमारे देश में जो अधिकांश पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वो हिंदू धर्म की है, लगभग 80%, और उसके बाद करीब मुस्लिम्स आते हैं करीब 13-14%,
मसीही जो क्रिश्चियंस हैं वो सिर्फ 1-2% हैं, 2 से थोड़ा ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक हिंदू राष्ट्र है। अब हमें, हम जो कहते हैं लोगों को, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि देखिए भाई, हमें किसी के धर्म से हमारा कोई कॉम्पिटिशन या प्रतियोगिता नहीं है। पहली बात, उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने तो कोई धर्म बनाया नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई आपका भी तो एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी। तो मुश्किल ये है कि जब भी हम लोगों को समझाने जाते हैं तो वो खुले तो होते नहीं है संदेश को सुनने के लिए, तो वो कमियां ढूंढ रहे होते हैं जिससे कि हमें चुप करा दें। जैसे कि क्रिश्चियनिटी की अगर बात करते हैं तो उनको पता है, उन्होंने जो चर्चेस देखे हैं यहाँ पर इंडिया में, वो ज़्यादातर रोमन कैथलिक्स होते हैं। तो उनको लगता है कि ये मसीहत है, पर वो तो एक धर्म है जो कॉन्स्टेंटीन ने शुरू किया था यीशु से 300 साल के बाद। तो उनको ये आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो सिर्फ ये पता है कि धर्म होते हैं, परमेश्वर होता है, परमेश्वर से एक संबंध होता है मनुष्य का, धर्म बीच में नहीं आता है। ये शिक्षा तो सिर्फ उन्हीं को पता है ना जो मसीही हैं। तो आपको पता है ये शिक्षा, और आप नमक हैं और आप ज्योति हैं। तो जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो सबसे पहले तो अपने मन से ये निकाल दीजिए कि भाई ये किस धर्म का है। क्योंकि जब भी आप धर्म को बीच में लाएंगे ना, तो होगा क्या मालूम है, आपके मन में हमेशा एक बात आ जाएगी कि भाई इनको पता नहीं है, ये अज्ञानी है, इनका जो धर्म है वो सच नहीं सिखा रहा है। ऐसे मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके धर्म सही हैं बाइबल के आधार पर, नहीं, बाइबल के आधार पर तो कोई धर्म ही नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है परमेश्वर और उसने कोई धर्म नहीं बनाया। लेकिन आप ये सोचिए ना कि उन लोगों को ये पता नहीं है जिनके पास भी आप जाते हैं। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो आप सिर्फ इतना सोच के जाइए कि वो एक मनुष्य है और परमेश्वर यीशु मसीह हर मनुष्य से बराबर प्यार करता है। जब हम अविश्वासी भी थे तब भी हमसे प्रेम करता था वो, जैसा कि मत्ती 5:45 में लिखा है कि वो धूप और बारिश सबको देता है, सबका जीवन चलाता है यीशु मसीह। तो जब यीशु सबसे प्रेम करता है तो हमें भी करना है। तो हम जब किसी के पास भी जाते हैं सुसमाचार को लेकर, तो किसी भी मनुष्य का पूरा सम्मान कीजिए। उसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई हिंदू भाई आपके पास आके कहे या बहन कि भाई तुम्हारा धर्म तो कुछ भी नहीं है, ये तो अंग्रेज लेके आए थे, जबकि ऐसा है नहीं। जो अंग्रेज जो इंग्लैंड से आए थे वो तो 250 साल पहले आए थे, लेकिन जो मसीह थे क्रिश्चियनिटी, वो तो इंडिया में 2000 साल पहले यीशु के 12 शिष्यों में से एक थॉमा, जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में थॉमस बोलते हैं, वो दक्षिण भारत के एक राज्य केरल में लेके आया था और उसने अद्भुत काम किए वहां पर, चंगाइयां करी, प्रभु का जो संदेश दिया उससे बहुत सारे लोग मसीह में आ गए, सच्चे परमेश्वर में आ गए। तो उसमें ब्राह्मण भी थे, हर जात के थे उसमें। तो ये बात तो उनको पता नहीं है ना, और ना ही हमारे इतिहास की किताबों में सिखाया जाता है। तो जब उनको पता ही नहीं है तो फिर उनकी क्या गलती हुई उसमें? तो आप तो बताने जा रहे हैं, जब आप बताने जा रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि अगर कोई भी हिंदू भाई बहन ये कहता है कि भाई हमारा धर्म सबसे अच्छा है, यानी उनका हिंदू धर्म, या वो सबसे पुराना है, बाकी सब ठीक नहीं है धर्म, अगर वो ऐसा कहते भी हैं तो आपको क्या समस्या है? आप सुन लीजिए, क्या हम उनसे कोई प्रतियोगिता करने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम शिक्षा जरूर देंगे, समझाएंगे, लेकिन अगर कोई अड़ जाता है इस बात पे कि भाई तुम जो कुछ कह रहे हो गलत है, तो हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। उसका कारण यह है कि ये जो हम सुसमाचार सुनाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अगर तुम सुसमाचार पर विश्वास नहीं करोगे तो हम तुम्हें बुरी नजर से देखेंगे या तुमसे नफरत करेंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा। सुसमाचार का तो मतलब ही यह है कि वो सुसमाचार है, तो हम तो खुशी से जाते हैं किसी के पास बताने के लिए। और जब हम किसी को बताते हैं तो आपको बहुत सारे तर्क मिलेंगे कि आपने गीता नहीं पढ़ी, महाभारत नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी। तो हो सकता है कि जो बोल रहा उसने भी ना पढ़ी हो। आमतौर पर मेरा तजुर्बा तो यही रहता है, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूँ दूसरे धर्मों के ग्रंथों के, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारा समय वो पढ़ता हूँ, सारा समय तो मैं बाइबल ही पढ़ता हूँ, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ बहुत सारी बातें पता चलती है मुझे। मुझे एक कंपैरिजन भी मिलता है कि जो दूसरे शास्त्र हैं और बाइबल में क्या अंतर है, उससे मेरा विश्वास और बढ़ता है यीशु मसीह पर। तो वो कुछ भी कह सकते हैं। तो आपके मन में कड़वाहट किसी भी कीमत पर पहली बात तो आने नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उस धर्म के लोगों का सम्मान करना है, उसका मतलब ये नहीं कि उनके विश्वास का सम्मान करना है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकते हैं अपने विश्वास के साथ। किसी भी कीमत पर हम ये नहीं मान सकते हैं कि भाई ठीक है, तुम भी ठीक बोल रहे हो, हम भी ठीक बोल रहे हैं। ऐसे ही मैंने मसीहियों को सुना है चर्चों में बोलते हुए, वो कभी कभी दूसरे धर्म के लोगों से बोल रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारे यहाँ भी विश्वास सही है और हमारा विश्वास भी सही है। नहीं, फिर तो आप ज्योति हुए ही नहीं, फिर तो आप नमक हुए ही नहीं। आपको तो सच्चाई बतानी है प्रेम से,
लेकिन अगर कोई उसको स्वीकार ना कर रहा हो तो सम्मान कैसे करते हैं मालूम है? आप इतना ही सोचिए कि उस मनुष्य को भी परमेश्वर ने एक बुद्धि दी है, उसको भी चुनने का अधिकार दिया है, फ्री विल, और वो अपनी इच्छा से चुन रहा है। तो हमारा जो उसके साथ एक संबंध है प्रेम का, मित्रता का, वो खत्म नहीं होता उससे। आपको उसे सुसमाचार सुनाना है, अगर वो स्वीकार नहीं करता है या धिक्कारता भी है या आपके धर्म के बारे में यानी यीशु मसीह के बारे में गलत भी बोलता है वो, तो भी आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि आपके अंदर तो लाइट है ना, ज्योति है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था, जब क्रॉस पर ले जा रहे थे उनको, जब मारा जा रहा था, तो पिलातुस के सामने जब उन्हें खड़ा किया गया तो वो एकदम खामोश रहे, क्योंकि उनका जो युद्ध है वो लोगों से तो है नहीं ना। हमारा जो युद्ध है, जैसे फिशो का 6 सिखाता है कि वो मांस और लहू से तो है नहीं, ये तो शक्तियां हैं जो संसार में काम कर रही है, जो मनुष्य को भरमाए हुए है, उनसे है हमारा युद्ध जो है। तो द पावर्स एंड प्रिंसिपालिटीज ऑफ द डार्कनेस। तो हम जब सम्मान करते हैं, तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, दूसरे धर्म का, और ज्यादातर आपको हिंदू मिलेंगे, तो आप जाइए और आप अपने मन में हमेशा एक ही बात रखिए कि वो मनुष्य बहुत तरीके से काबिल है, उसमें बहुत बुद्धि है, तभी तो डॉक्टर है या इंजीनियर है या कुछ और काम कर रहा है, या अगर वो छोटी नौकरी भी कर रहा है तो भी उसका एक सम्मान है, उसकी एक इज्जत है। मतलब ये कि अगर वो मनुष्य आपसे कुछ बातें बताता है, अपने विचार बताता है अपने धर्म के बारे में, आपके धर्म के बारे में, तो आप सुन लीजिए। आप अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन जहां आप देखें कि भाई दूसरा मनुष्य स्वीकार करने की अवस्था में नहीं है, वो रिसीव नहीं कर रहा है, तो आप खामोश हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह कभी किसी पर दबाव नहीं डालता। ठीक उसी तरह आपको भी किसी पर दबाव नहीं डालना है। हमसे ये सब गलतियां होती है। शुरू शुरू में मुझे याद है कि जब मैं मसीही बनाता तो मेरे अंदर इतना उत्साह आ गया था कि मुझे जाके सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को बताना है, फिर बाकी दोस्तों को बताना है, इतनी अच्छी खबर, जीवन बदलने वाला, मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला। तो हुआ क्या कि जब मैं बड़े जोश में चला गया और मैंने अपने परिवार वालों को बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया, उनको लगा कि मैंने धर्म बदल लिया। अब वो तो संसार की रीति से सोच रहे हैं, ऐसे दोस्तों के साथ भी हुआ। अब मैं नया नया था तो बहुत ज़्यादा जोश था उस समय, और ज्ञान कम था बाइबल का, तो मैच्योरिटी कम थी, पवित्र आत्मा जो मुझे सिखा रहा था उसमें मैंने अभी उतना सीखा नहीं था बाइबल से। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन सम्मान क्यों छोड़ दिया मैंने? ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं किसी को बता रहा हूँ, अगर वो नहीं समझता था, आमतौर पर जो हिंदू धर्म के होते थे, तो मुझे एक कड़वाहट हो जाती थी अंदर से कि क्यों नहीं समझ पा रहा है, इतना सिंपल सा, साधारण सा, सरल सा सुसमाचार है ये, क्यों नहीं इस मनुष्य को समझ में आ रहा है, क्या इसमें बुद्धि नहीं है? लेकिन बात यहाँ बुद्धि की नहीं है, बात यह है कि वो किस तरह से जीना चाहता है। ये स्वतंत्रता तो सबको है। तो मैं सीख गया धीरे धीरे, जैसे जैसे वचन में बढ़ा, मैं सीख गया कि भाई ये जो मनुष्य है वो मेरे विश्वास के साथ सहमत नहीं है, वो उसको अभी समझना भी नहीं चाहता, और जिस पर वो विश्वास करता है या नहीं करता है। क्योंकि आमतौर पर जब मैं हिंदू भाइयों से पूछता हूँ कि भाई आपका विश्वास क्या है, आप मुझे ठीक तरीके से बताएंगे, तो कभी भी मुझे एक स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। तो मैं जैसे उनसे पूछता हूँ कि भाई आप अच्छा मुझे बताइए कि आप कितनी बार मंदिर जाते हैं, कितनी बार आप अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो मुझे कभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। तो मैं धीरे धीरे समझ गया कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि उनको अपने धर्म के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन किसी भी कारण की वजह से, जैसे हमारे देश में क्या हुआ कि मसीहत को बहुत तरीके से बदनाम शुरू से किया गया है, और उसके पीछे कारण जो है वो सिर्फ दूसरे धर्म के लोग नहीं है, स्वयं मसीही भी हैं। हम लोग जो ज्योति थे, हमने ज्योति बन के नहीं काम किया या नमक बन के काम नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने मसीह के नाम पे पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो अच्छे मिशनरीज भी आए जिन्होंने प्रभु के हिसाब से काम किया, और ऐसे भी मिशनरीज आए जिन्होंने किसी और स्वार्थ की वजह से काम किया, जिसकी वजह से मसीह का नाम खराब हो गया। आज जितना भी इल्जाम लगाए जाते हैं, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, या पैसे दे रहे हैं, या इनको बाहर से बहुत पैसा मिलता है, ये लालची हैं, ये एजेंट हैं, ये सब हमें क्यों सुनने को मिलता है मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमारी भी गलती रही होगी ना। बहुत से लोगों ने मसीह के नाम से सिर्फ बिजनेस भी किया है इस देश में, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य होता है, कभी कभी मसीही भी बन जाता है वो, लेकिन अंदर से पाप का स्वभाव जो है उसका वो बहुत प्रबल रहता है। तो इन सब कारणों की वजह से मैं पूरी तरीके से किसी को दोष नहीं दे सकता अगर आज मसीहत की जो चेहरा है वो अगर खराब है। तो हमें ये भी सोचना जरूरी है कि कहीं ना कहीं पर क्या हम यीशु के लिए खड़े भी हो रहे हैं, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से बता सके कि भाई देखो मैं मसीही हूं और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, तो मैं ये नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं,
वो भी नहीं करते हम लोग, हम लोग सब में शामिल होके उनके जैसे ही रहते तो उनको वैसे भी समझ नहीं आता। तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है सभी मसीही भाई बहनों से कि हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है यीशु मसीह और ये बाइबल जो जीवन का वचन है, लेकिन इस खजाने को हम दूसरे को जब पेश करते हैं तो किस तरह पेश करते हैं, हमारा दिल उस समय कैसा होता है, हमारे विचार कैसे होते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। हमें एक बात पता है कि बाइबल सिखाती है यशाया 45:5 में परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं है। वो कहता है मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, मतलब कि मैं तुझे संभालूंगा, तू मुझे नहीं जानता, ठीक है। तो हमें यह पता है इसमें कोई समझौता नहीं है। तो जब भी अपने आसपास आपको हिंदू या मुसलमान भाई बहन मिले और वो विरोध करें मसीहत का, मैं तो वीडियोस बनाता हूं तो कमेंट्स में मुझे बहुत कभी कभी बहुत बुरा भला भी बोला जाता है कमेंट्स में, तो जो हिंदू भाई बहन की तरफ से जो आते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर से कहता हूं परमेश्वर मेरे को एक ऐसा मन दे, ऐसी बुद्धि दे कि मैं इन बातों का बुरा इसलिए नहीं मानूं क्योंकि अभी ये जानते नहीं है ना मसीह को, अभी ये जानते नहीं, अभी तो उनको इतना ही पता है कि भाई ये कोई दलाल है जिसको पैसे मिल रहे हैं इसलिए ये पढ़ के सुना रहा है। अब उनको तो नहीं पता ना कि हम जो है अपना काम करते हैं और जो भी पैसे हमें अपने काम से मिलते हैं, जैसे मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ उसी से जो पैसे मिलते हैं उसी से हम ये मिनिस्ट्री चलाते हैं, दूसरा कोई हमारे पास सोर्स भी नहीं है, ये बात उनको तो पता नहीं है। तो वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा पहले भी किया और आज भी कर रहे हैं, जो बाहर से पैसा लाते हैं और दबाव डालते हैं लोगों पर कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, तो ऐसा भी होता है। तो मैं उनको पूरी तरीके से दोष भी नहीं देता, सम्मान में ऐसे करता हूं उनका, मेरा कोई पड़ोसी या दोस्त या रिश्तेदार जब भी आते हैं और हम शुरू करते हैं सुसमाचार की बातें, तो मैं पहले थोड़ा सा भांप लेता हूं कि क्या ये सुन रहे हैं, क्या ये इस दिशा में बात करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, जितना वो सुन रहे होते उतना ही बोलता हूं। उसके बाद भी अगर विरोध होता है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है और भारत में हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म वो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा है, ऐसे कई बातें बोलते हैं। जहां तक बात सबूतों की है, मैं जानता हूं विश्व भर में आज जो धर्म है, अगर विश्वास अगर बोलें सब मिला के, तो मसीहत क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा है, जहां तक बात सबूतों की है। एक दिन मैं संदेश बनाऊंगा बाइबल के सबूत, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ बाइबल ही है ऐसा एक शास्त्र जिसके सबसे ज्यादा और सबसे सच्चे सबूत हैं, बाकी किसी के नहीं है। लेकिन क्या ये सुनने के लिए दूसरे धर्म वाले तैयार हैं? अगर नहीं है तो आप दबाव तो नहीं डाल सकते ना उनके ऊपर, तो मैं भी नहीं डालता। तो मैं वहां पर रुक जाता हूं, समझौता बिल्कुल नहीं करता किसी के भी धर्म के साथ। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि देखो एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए कोई धर्म भी नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट करता हूं। लेकिन वहां पर रुक जाता हूं जहां पर मुझे लगता है कि वो मनुष्य अब यहां के बाद नहीं सुनेगा, वहां रुक जाता हूं मैं, कड़वाहट नहीं आने देता अपने अंदर। और मैं कोशिश ही करता हूं कि मेरा जो संबंध है उस आदमी के साथ वो बना रहे, क्योंकि भले ही वो जीवन भर मसीह को स्वीकार ना करे लेकिन एक मनुष्य होने के नाते तो मेरा एक संबंध है ना उसके साथ, तो मैं उसको क्यों बिगाड़ूं। तो मैं यहां पर स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं, इसका शीर्षक जो है कि सब धर्म के लोगों का सम्मान करो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सब धर्मों का सम्मान करो, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई धर्म है नहीं, सिर्फ यीशु मसीह है। हमें किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं लड़नी है, हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी है कि हम साबित करें कि हमारा जो विश्वास है वही सबसे अच्छा है या वही बेहतर है या वो तुमसे अच्छा है, नहीं, हमारी ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं है। क्योंकि विश्वास जो होता है वो घमंड या अहंकार के बेस पर नहीं हो सकता, उसके आधार पर नहीं हो सकता। अगर अहंकार के आधार पर आपका विश्वास है तो सच्चा विश्वास नहीं है। आपका विश्वास हमेशा प्रेम के आधार पर होना चाहिए कि एक मनुष्य का उद्धार हो सके, एक मनुष्य परमेश्वर को जान सके, उसके जीवन में शांति आए। आज उसके जीवन में बहुत परेशानी है, आप सोच के देखिए, सहानुभूति अगर आपके मन में नहीं है उसके लिए, प्रेम नहीं है, तो सुसमाचार कहां हुआ? ये बात हम धीरे धीरे सीखते हैं। जब हम नए नए मसीह में आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है, इसलिए हम ये गलतियां करते हैं। तो मैं अपने सब भाई बहनों को अपने तजुर्बे अपने अनुभव से बता रहा हूं कि धीरे धीरे करके जैसे आप वचन में बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि हम सम्मान करना सीख जाएंगे मनुष्यों का, जो भी वो कह रहे हैं। आपको जरूरी नहीं उसकी बात से सहमत होना है, लेकिन आप इतना सोच सकते हैं कि हाँ ये मनुष्य ऐसा विश्वास करता है तो मैं इसके इस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैंने सच्चाई बता दी है, आप ये स्वीकार करें या ना करें उसकी मर्जी है, लेकिन मैं किसी कड़वाहट के आधार पर उससे बातचीत नहीं करूंगा। मैं अपना रिश्ता
ऐसी स्थिति में नहीं लाना चाहता कि जहां मुझे उसे देखने का मन ना करे। नहीं नहीं, ये मसीहत नहीं है। इसका मतलब तो रोशनी नहीं हुई आपके अंदर। कोई भी हमारे खिलाफ कुछ भी बोल रहा हो, आज होता है बहुत से लोग मसीही मारे जाते हैं, मतलब क्यों, उन पर सताव क्यों होता है? जब भी कोई बात आती है तो मसीहों पर अटैक होता है, लेकिन मसीही जो है परमेश्वर सिखाता है, सताव जब भी तुम्हारा हो रहा है मेरे नाम से तो आनंदित रहो, लेकिन उसका प्रतिक्रिया मत दिखाओ, उन पर वापिस जवाब मत दो उनको, क्योंकि जब आप वापिस जवाब दे रहे हो तो फिर आप मसीही का उदाहरण नहीं हो। हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हम तो भाई सुसमाचार लेके जा रहे हैं उनके पास, प्रेम का संदेश। वो स्वीकार नहीं करते या हमें सताव करते हैं, आप उसे स्वीकार कर लो। देखो एक और बात मैं आपको बताता हूं कि आज बहुत सारे मैंने देखा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी विद्रोह हो रहे हैं लोग। मैंने देखा है कि मसीही भी सभाएं लगाते हैं, बाहर सड़कों पे आ जाते हैं और कहते हैं मसीहत के लिए वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है मसीहत के लिए खड़े होने का। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं सिखाया, उसने बोला कि देखो सताव तो तुम्हारा होगा ही, अन्याय अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो उसके लिए तुम मुझसे प्रार्थना करो। हर मसीही मिलके अपने चर्च में अपने घरों में प्रार्थना कीजिए उन चीजों के लिए, और आप देखिए कि प्रभु कैसे सुलझाता है। बजाय उस चीज को अपने हाथ में लेने के आप प्रभु के पास जाइए। मसीहियों से मेरा यही निवेदन है कि आप समझिए कि यीशु क्या कहता है। देखो इस देश में मसीहत अगर कहते हैं कि 2% है, मैं कहता हूं चलो 1% है, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस यानी कि जिनका नए सिरे से जन्म हो गया, जो सच में विश्वासी हैं, मसीही हैं और बाइबल के आधार पर चलना चाहते हैं, ऐसे मसीही समझ लो 1% भी हैं, 1%। तो हमारी जो जनसंख्या आज 135 करोड़ की, तो आप सोच के देखिए कि अगर हर मनुष्य अपने कंधे पर ये जिम्मेवारी ले ले कि मैं अपने जीवन में कम से कम 150 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा पूरे जीवन में, तो भी भारत की सारी जनसंख्या को सुसमाचार मिल जाएगा। कैसे? अगर आप महीने में किसी एक मनुष्य को भी सुनाते हैं, पर्चा देते हैं, नहीं आप बोल पा रहे हैं कोई बात नहीं, आपने पर्चा दे दिया एक मनुष्य को भी, तो आपके साल में कम से कम 10 हो जाएंगे, 12 नहीं तो 10 हो जाएंगे। उस हिसाब से आप 15 साल में तो आप 150 लोगों को सुनाई देंगे, पूरी जनसंख्या को सुनाया जा सकता है, लेकिन मसीही क्रियाशील नहीं है, लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। मैं यहां बैठ के संदेश तो दे सकता हूं, लेकिन जब भी कोई हिंदू भाई हमारे संदेश देखता है तो वो अपने काम का संदेश देखेगा, और वो उतना ही देखेगा जैसे उतना देखना है, उसके आगे पीछे नहीं देखेगा। बहुत सारे सवाल वो करते हैं, उन सबके जवाब मैंने वीडियो में दिए हुए हैं, लेकिन वो देखते नहीं है। विज्ञान को लेकर कभी कभी आरोप लगाए जाते हैं, जब मैं बताता हूँ बाइबल में कि भाई कौन सा धर्म पुराना, एक वचन है, उसमें मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि मैं साबित करूं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, लेकिन मैं मसीहियों के उस सवाल का जवाब देना चाहता था। कभी कभी वो लोग सोचते थे कि लोग कहते हैं भाई यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया था, तो उससे पहले लोग किस पे विश्वास करते थे? तो बहुत से मसीहियों को पता नहीं है कि हमारा जो विश्वास है वो आदम यानी पहले मनुष्य से है, इसलिए मैंने वो शीर्षक रखा ताकि मसीह समझ जाए। लेकिन बहुत से हिंदू भाई आरोप लगाते हैं उस बात पे कि भाई तुम गलत बोल रहे हो और हमारा जो धर्म सबसे पुराना है। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा मानते हैं तो हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आपसे कोई प्रतियोगिता तो है नहीं, तो प्रोटेस्ट हम बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा जो काम है, मेन मुख्य जो काम है, वो इतना बड़ा है कि हमारे पास ये इस तरह के विद्रोह करने का या विरोध करने का या सड़कों पे आने का इसका तो समय ही नहीं होना चाहिए हमारे पास। मैं यहाँ बैठ के जो संदेश दे रहा हूँ वो ठीक है, आप लोग सीखिए, लेकिन हर व्यक्ति को, हर मसीही को अपने आसपास उसके दोस्त रिश्तेदार जो प्रभु ने उसको दिए हैं ज्योति बन के, नमक बन के, उन तक पहुंचने का वो जिम्मेवारी अगर हर मसीही उठाए, तो मुझे आपके रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचना पड़ेगा, आपके दोस्तों तक आप पहुंचेंगे, उनके तक। मैं तो आपको सिखा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो सोच के देखिए हर मसीही अपने ज्योति वाला काम अगर करे, वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, वो प्रकाश फैलेगा, कहीं ना कहीं लोग मसीह को समझेंगे, जितनी भी गलत फहमियां हैं मसीहत को लेकर वो दूर होंगी इस देश से, और जितने भी देशों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो सारे देश बहुत ऊपर हैं। तो यीशु मसीह ने कई तरीके से साबित किया कि वो सच्चा परमेश्वर है। तो आप ये सारी बातें खुद बता सकते हैं लोगों को। उसके अलावा किसी भी धर्म का या किसी भी विश्वास का सबसे बड़ा चिन्ह क्या होता है मालूम है? कि जब भी आपके विरोध में कोई बात करे तो आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी हिंसा नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी बुरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये होता है एक सच्चे विश्वास का चिन्ह। अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास सच्चा है और यीशु मसीह सच्चा है, तो अपने आप ये बात आपके अंदर आ जाएगी।
जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि भाई मुझे इस मनुष्य से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। इसको भी परमेश्वर ने वैसे बनाया जैसे मुझे बनाया, इसको भी सारे हक हैं परमेश्वर ने जो दिए हैं, जो मुझे दिए हैं, और इसको भी वैसे ही चुनने का अधिकार है जैसे मुझे है। आज ये यीशु मसीह को नहीं जानता जैसे मैं नहीं जानता था एक समय में, हो सकता है कल जान जाए और मुझसे भी अच्छा मसीही बन जाए और मुझसे भी ज्यादा यीशु का काम करे। तो पोटेंशियल है उसमें, सम्मान कर सकते हैं हम किस हर मनुष्य का, हर अपने अंदर कड़वाहट हटा के हम जा सकते हैं कि भाई आप स्वीकार करें या ना करें, मैं आपसे फिर भी प्रेम करूंगा क्योंकि मसीह आपसे फिर भी प्रेम करेगा। इसलिए हमारा जो सुसमाचार है वो एकदम साफ सुथरा निष्कलंक होना चाहिए जैसे यीशु मसीह था, तभी तो लोग उसको देख पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से सबसे सारे मसीहियों से ये विनती करता हूं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, कि मसीहत को सही मायनों में समझो। वचन में बढ़ना देखो बहुत जरूरी है और सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से आपके अंदर स्वच्छता आएगी, निर्मलता आएगी, नम्रता आएगी, उसी से आपको सच्चाइयां पता चलेंगी कि मसीहत का मतलब अनुग्रह, प्रेम जो हम बोलते हैं, दया, करुणा, ये सब तभी आएगा जब आप देखेंगे हर अध्याय में, हर किताब में क्या लिखा है बाइबल में, पवित्र आत्मा आपको सिखाता जाएगा। तो मेरी आपसे विनती ये है कि यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, ये तो अटल विश्वास है और इसमें हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता किसी भी अन्य धर्म का, एक मनुष्य होने के नाते हम उसका पूरा सम्मान करेंगे कि भाई साहब या बहन आपका जो भी विश्वास है मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, आपको सिर्फ मैं वो बताना चाहता हूं कि जिस पर मैं विश्वास करता हूं। तो अगर वो आपको उसकी इजाजत देता है तो आप बता दीजिए, अगर वो कहता नहीं मुझे नहीं सुनना है। कई बार ऐसा होता है जब मैं सड़कों पर जाता हूं और मैं बोलता हूं भाई साहब मैं आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, तो कहता नहीं मुझे नहीं सुनना। आप सम्मान कीजिए ना उस बात का, कड़वाहट मत लेके आइए उस बात के लिए। तो मेरा अनुरोध सबसे यही है कि कड़वाहट कभी नहीं। दूसरी बात, आप ज्योति हैं, वो ज्योति की तरह ही जाइए, आप नमक हैं, स्वाद बढ़ाइए किसी के जीवन में जाके, जैसा यीशु मसीह ने किया था। पूरे जीवन लोगों ने उसको सताया लेकिन उसने हमेशा प्रेम ही किया, उसने हमेशा लोगों को ये बताया कि देखो मैं सत्य हूं, मैं यहां पर खोए हुए को ढूंढने आया हूं, लूका 19:10 में। खोए हुए कौन? हम सारे मनुष्य खोए हुए थे। तो मैं किसी से बेहतर नहीं हो गया, अगर मैं मसीही बन गया तो मैं किसी से बड़ा नहीं हो गया या मैं किसी से ज्यादा अच्छा नहीं हो गया। मैं आज भी, मेरे अंदर भी पाप है, मेरे अंदर एक पाप का स्वभाव है, हम ये नहीं भूल सकते हैं। तो कृपया इस बात को ध्यान रखिए कि सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना है, भले ही आप उनके धर्म से सहमत ना हो। यीशु मसीह आपको बहुत आशीषित करेगा। आमेन।